देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है ये थोड़ा इतने मुश्किल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लग रहा है या है, लेकिन दिखने मुश्किल लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए बड़े अच्छे से आप कर लेंगे। क्वेश्चन जो कह रहे हैं बेटा कि एबीसी क्वेश्चन नंबर 20 मिसेलिनियस 9 है, एबीसी आर इन एपी, ए बी सी आर इन क्या कह रहा है एपी, अगर ये एपी में है इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो ये टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और बी इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, नहीं आई समझ में। अब इसके बाद इसको इक्वेशन वन मान लीजिए आगे काम आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ बेटा क्या दिया हुआ है, बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी, इसमें क्या होता है सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी, जब इसको क्रॉस करें मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, तो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन टू मान लीजिए आगे काम आएगा। अब आप एक और चीज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वन बाय डी वन बाय ई आर इन एपी, ये दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया टू बाय डी टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म जो होता है इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज वन बाय सी प्लस वन बाय ई, इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे कि सी प्लस ई यहाँ सी ई हो जाएगा टू बाई डी, यहाँ जो आ रहा है डी इक्वल टू हमारा आएगा ये टू सी ई अपॉन सी प्लस ई, आई होप आप समझ में आ गई होगी, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लीजिए। और अब आपको करना है पुट इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू का सॉरी इक्वेशन वन और थ्री का जो वैल्यू है उसको टू में सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट आप करते हैं तो आप देखिएगा ये आपका जो है सी स्क्वायर इजकल टू बी डी, बी की वैल्यू है ए प्लस सी बाई टू इंटू डी का वैल्यू है टू सी ई अपॉन सी प्लस ई, आप ये टू और टू कट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये सी और एक सी स्क्वायर ये कट जाते हैं, दैट इज सी इजकल टू ये ए प्लस सी इंटू ई अपॉन सी प्लस ई, अब ये देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू सी प्लस ई इक्वल टू ए ई और सी ई, और ये होगा सी स्क्वायर प्लस सी ई ए ई प्लस सी ई कैंसिल सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इसका मतलब ए सी ई आर इन जी पी, ओके ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज 9 का मिसलेनियस, इसमें कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द एएम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आपको पास गिवन है, ये दोनों पॉजिटिव है ये दिया हुआ है, इसका जो ए एम होता है बेटा ए प्लस बी बाय टू को ए एम बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको ए मान लीजिए, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा टू टाइम्स ऑफ ए, तो इक्वेशन वन के लिए। इन द सेम वे इसका जी एम जो होगा रूट अंडर ए बी होगा, है ना, इक्वल टू हम लोग जी बोलते हैं, स्क्वायरिंग दोनों सेट करेंगे ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर, तो दिक्कत, ठीक है। अब ये कह रहा है कि
अब इनका जो रेशियो है, रेशियो मतलब ए बाय जी का रेशियो जो दिया हुआ है वो एम इज टू एन दिया हुआ है, इसका भी यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, आप एक चीज समझिए, अगर ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसकी क्वाड्रेटिक जो होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए बी उनका रूट्स हो, उनका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये अलग से ज्यूम कर रहे हैं, प्लस ए बी, यही होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या होगा, इसमें जब एक्स निकालेंगे हम लोग तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर टू ए हो जाएगा, ये जी स्क्वायर हो जाती है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस बी, दैट इज माइनस माइनस टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए का वैल्यू है हमारा वन, ये जी स्क्वायर है, अपॉन ये टू इंटू वन हो जाएगी। इसके बाद इसको आप कहिए कि टू ए प्लस माइनस, ये हो गया हमारा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए जी स्क्वायर, फोर कॉमन लेकर के बाहर कर तक ये टू आ जाती है बाहर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हमारा एक्स का वैल्यू आया। अब आप देख रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू आई है वो दो वैल्यू है, एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है। ए का वैल्यू हो गया ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और जो बी होता है हमारा वो ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होती है। अब हमें ए बाय बी का रेशियो निकालना है या प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट अंडर, और ये होगा हमारा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप देखिए ए बाय जी का वैल्यू दिया हुआ है एम इज टू एन, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एम बाय एन जी लिख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो गया, ये एम बाय एन जी प्लस ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखना था, यहां पर लिखना है एम बाय एन जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन एम बाय एन जी माइनस एम बाय एन जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहां पर हम जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर जी आ जाएगा, इन द सेम वे यहां भी ऐसा ही होगा, तो एम बाय एन जी प्लस जी यहां पर रूट अंडर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम बाय एन जी माइनस जी एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस वन। अब इसको फर्दर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जी कॉमन लेते हैं तो ए बाय बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा एम बाय एन प्लस रूट अंडर, ये जी कट जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा अपॉन एम बाय एन माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। एन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, ये होगा एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन, और एन एन और एन कट भी जाएगा, ये हो गया एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ यू हैव टू, तो ये आपको प्रूफ हो गई, दो नंबर का रेशियो हमारा ये आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे।